नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय की। आप जानते हैं प्रतिदिन इस चैनल में तरह तरह की वीडियो डाली जाती हैं, रेखी से संबंधित, धर्म से संबंधित, मानसिक तनाव से संबंधित, रोजाना एक उपाय डाला जाता है और बहुत कुछ इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ नया, वो भी आप देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। अब हम बात करेंगे पुत्र दा एकादशी व्रत। ये व्रत 6 जनवरी को मनाया जाएगा, 2020 में 6 जनवरी को ये उपवास होगा पुत्रदा एकादशी। इस दिन चाहे आप उपवास ना भी रखें, कुछ दान पुण्य कर लें तो बहुत अधिक लाभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत पोष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। लोग सुबह उठ जाते हैं, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री हरि का ध्यान किया जाता है। मैं आपको बता दूं, बहुत महत्व रखती है ये पुत्र एकादशी। मैं आपको बताता रहता हूं कि विशेष शक्तियों के साथ कुछ दिन परमात्मा ने हमें दिए हैं जिनमें हम बहुत अधिक शक्तियां ले सकते हैं, क्योंकि इस दिन परमात्मा अपनी शक्तियों की झोली खोल देते हैं और तेजी से धरती की ओर प्रवाहित करने लगते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। धूप दीप आदि से भगवान नारायण की अर्चना की जाती है। उसके बाद फल फूल नारियल आंवला आदि आप भगवान को अर्पित करें तो आपको बहुत अधिक लाभ इससे मिलता है। जो औरतें हैं वो फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आदि अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान नारायण को अर्पित करती हैं। निराहार रहकर संध्या के समय कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। इस दिन दीप दान करने का महत्व है, याद रखिएगा। दीप दान यानी एक दीप बनाएंगे, उसे दान उसको दान करेंगे और बहुत लाभ मिलता है। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। परंतु कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा और उसकी रानी दोनों इस बात को लेकर चिंताग्रस्त रहते थे। निसंतान होने के दुख से वह शोकाकुल रहने लगे। राजा के पितर भी ये सोचकर चिंताग्रस्त थे कि राजा का वंश आगे ना चलने पर उन्हें तर्पण कौन करेगा और उनका पिंड दान कौन करेगा। राजा भी इसी चिंता से अधिक दुखी थे कि मरने के बाद क्या होगा। इसीलिए एक दिन इसी चिंता से ग्रस्त राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में वन में इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए थे। बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा अपने घोड़े से उतरे और सरोवर से पानी पिया। प्यास बुझाकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले कि राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं। तब राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। ऋषि ने कहा कि वह विश्वदेव और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। उन्होंने बताया कि माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने मुनि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब राजा वहाँ पर अपना पाठ पूजा शुरू करते हैं। उन्होंने मुनियों के कहे अनुसार सब कार्य किया। इसके फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई और रानी ने एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती हैं तो इस व्रत के रखने से वे दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत के
महातंब्य को सुनता है, यानी इसके महत्व को सुनता है, कथा को सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी यदि आप मात्र इसको सुनते हैं कथा को, इस दिन आप कुछ दान पुण्य करते हैं तो आपके कष्ट खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए ही इसे करना है। तो बहुत अधिक लाभ ऐसे जो दिन होते हैं उनका हम ले सकते हैं। इस दिन आपको चाहिए कुछ ऐसी वस्तुएं दान करें जो बच्चों के काम आए। छोटे बच्चों को वस्त्र दान कर सकते हैं, खिलौने दान कर सकते हैं, किसी गर्भवती स्त्री को कुछ खिला सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, आपके दुख समाप्त होंगे, धन दौलत आएगा। क्योंकि इस दिन परमात्मा की वाइब्रेशन धरती की ओर बहती है और हमें कोशिश करनी है कि इस वाइब्रेशन को हम भी लें। हमें पुत्र नहीं चाहिए, है हमारे पास सब कुछ, है परमात्मा का दिया हुआ, कोई ऐसी इच्छा नहीं है। तब भी आप इस दिन अवश्य दान पुण्य करें, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें यदि आप दान करते हैं तो अधिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। ये वह दिन है जो शक्तियां लेकर अपने आप में ही हमें परमात्मा ने आशीष के रूप में दिए हैं। जैसे शिवरात्रि होती है, जन्माष्टमी होती है, दीपावली होती है, इन दिनों में जब हम कुछ खास करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। ये विशेष दिन होते हैं जिस दिन वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से धरती की ओर प्रवाहित होती है और हमें सुख शांति प्राप्त होती है। इसलिए इन दिनों में जो भी आप करते हैं उसका लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। दान पुण्य करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा करना या उनको भोग लगाकर कुछ बांटना आज के दिन आपको बहुत अधिक लाभ दे सकता है, धन दौलत दे सकता है, सुख शांति दे सकता है, बच्चों से संबंधित हर समस्या का हल दे सकता है। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय जरूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।